तो नीतीश को मजबूत करने के लिए आप आ रहे हैं क्या? नीतीश के अपने वोट में सेंधमारी किसने की? वो नहीं आना आए बिहार में, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। संगठन के लोगों को जैसे लगता है हिदायत दी हुई थी जी कि उपेंद्र कुशवाहा से दूर रहना है। बिहार में कोई वैकल्पिक गठबंधन बने जी राजद से अलग, तो उसका भी हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। जी जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, ये गेम बड़ा है। आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा 2021 में अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिए थे। उनको जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, साथ में एक एमएलसी का पद दिया गया था। लेकिन राजनीति में तो जानते ही हैं मतभेद पैदा होता रहता है। उन्होंने अपनी राजनीति को बचाने के लिए एक नई पार्टी का निर्माण इस साल किए, जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा गया। और इस पार्टी का निर्माण बहुत अच्छे पैमाने पर हो गया है, हर एक जिला में जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है, जिस पोस्ट के जरिए उन्होंने खुद को नीतीश कुमार के प्रति दरिया दिल बताया है। ऐसा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार का साथ देने के लिए तैयार है। उस पोस्ट में क्या कुछ है यह जानने के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, उस पोस्ट के जरिए जो है उपेंद्र कुशवाहा क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लगता है? ये पोस्ट को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये रिश्ता कहाँ पर आकर ख़त्म हुआ था। पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार साथ थे जी, बहुत सारे विवाद हुए दोनों के बीच में जी, राज्यसभा भेजने की बात भी हुई, राज्यसभा भी गए। लेकिन ये सारी परिस्थितियां ऐसी बॉइल डाउन हुई कि अंततः ये लौकिक समीकरण जो कि बहुत प्रगाढ़ समीकरण था, लालू यादव के MY समीकरण पर इतना भारी पड़ा था एक समय में जी कि लालू के शासनकाल की समाप्ति लौकिक ने कराई जी, और फिर नीतीश कुमार उसी हाथी पर सवार होकर आज तक बिहार में जी राज कर रहे हैं। लेकिन कालांतर में लौकिक में मतभेद हुआ जी, त्रिवेणी संघ के जो फैसले पे जी अमल करने की बारी आई जी। कई बार उपेंद्र कुशवाहा ने कभी अपने समाज के चलते जी, कभी अपने चलते, कभी त्रिवेणी संघ के चलते जी ये आवाज उठाई कि अब मुझे भी हक चाहिए जी। इस बार भी यदि वो आवाज नहीं उठाते जी तो शायद वो बाहर नहीं आते जी। लेकिन इससे पहले वो आए कैसे? देखिए, दरअसल पिछले 2020 के चुनाव में एक बड़ा गठबंधन बना था जी, महागठबंधन जी, उसके समानांतर एक एक NDA गठबंधन भी था जी, जिसमें नीतीश भाजपा और मुझे लगता है कि चिराग पासवान अंतिम समय बाहर हो गए थे जी। तो ये दोनों गठबंधनों के समानांतर एक तीसरा गठबंधन भी बना था जी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और ओवैसी थे जी। इन दलों के गठबंधन ने भी अच्छा इम्पैक्ट डाला था बिहार के चुनाव जी, विधायकों की संख्या भी जीत कर अच्छी खासी अच्छा प्रदर्शन जी। ओवैसी के 5 विधायक, 6 विधायक, फिर एक जमा खान भी जीत के आए थे मायावती की तरफ से जी। उपेंद्र कुशवाहा एक भी सीट जीते नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा जबरदस्त टक्कर दिया था नीतीश कुमार को। लोग अक्सर कहते हैं भाजपा ने खेला कर दिया, नीतीश कुमार कमजोर हो गए। लोग अक्सर कहते हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश को कमजोर कर दिया, लेकिन ये बात लोग भूल जाते हैं कि नीतीश के अपने वोट में सेंधमारी किसने की? वो सारे चुनाव जिन जिन जगहों पर लड़े थे नीतीश कुमार, उन जगह पर उपेंद्र कुशवाहा का प्रत्याशी था जी। तो जाति का वोट काट रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, ये बात समझ में आई नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार ने उनको साथ लाने के लिए वशिष्ठ नारायण की जिम्मेवारी दी जी। वशिष्ठ नारायण से मुलाकात किए, हमें उस मुलाकात की सारी बातें पता चल गई थी जी। तो तभी 2021 में ही हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि देखिए भाई, ये जा रहे हैं विलय करेंगे, तय है। उपेंद्र कुशवाहा नाना करते रहे, लेकिन अंततः जाकर उन्होंने विलय कर दिया जी। विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा को तुरंत MLC बनाया गया जी, पूरे बिहार भर में घूमने के लिए उनको एक पद दिया गया जी, संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया जी। नीतीश कुमार के समानांतर वो घूमने भी लगे जी, लेकिन संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने के लिए उनको राज्यसभा भेजना जरूरी था जी। जी, एक और बड़ी बात थी कि पूरे बिहार वो घूम जरूर रहे थे, लेकिन
संगठन के लोगों को जैसे लगता है हिदायत दी हुई थी जी कि उपेंद्र कुशवाहा से दूर रहना है जी जी, ये उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा। हमने तो बहुत पहले पकड़ लिया था, उपेंद्र कुशवाहा ने धीरे धीरे ये बात पकड़ी और अंततः उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के जाल में जी इतना फंस चुके थे जी कि कुढ़नी जैसी सीट जहाँ पर कुशवाहा समाज की बहुलता थी जी जी वहां भी उनको उपयोग नहीं किया गया जी, बाकी ने हार जाना मंजूर किया जी जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वहां उतारना मंजूर नहीं किया। ये बात तभी स्पष्ट हो गई कि ललन सिंह का टारगेट उपेंद्र कुशवाहा है। आरसीपी को जब छाटा था बाहर जी तो ये लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह एक हो गए जी, लेकिन एक नहीं थे जी। उपेंद्र कुशवाहा उस समय भी ललन सिंह टारगेट जी जी। सर उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बना दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि उनको एक रूम में पैक कर दिया गया, उनको पावर जो है कि स्विच कर दिया गया। देखिए तब तो उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया था कि मेरी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है जी, मैं काम करना चाहता हूँ संगठन के लिए जी, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाना जदयू को मेरा मकसद है जी। उसमें बहुत हद तक वो एक्टिव भी थे, काम भी कर रहे थे जी। लेकिन एकाएक ये जब समझ में आया कि दरअसल उनके साथ खेल हो रहा है जी, तब उन्होंने यू टर्न मारा जी। और यू टर्न मारने के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई जी, तो पार्टी बनाने के पहले एक बड़ा काल था जिस दौरान वो जदयू में रहे जी जी, और रहकर ललन सिंह और नीतीश कुमार को आके दिखाई जी, और ये भी कहा कि हम क्यों हटेंगे जी, इसमें तो हक है हमारा जी, हर बार आप भगा दीजिएगा हम भाग जाएंगे जी जी। नहीं, दो भाइयों में अगर नहीं बन रहा है तो बंटवारा होगा जी जी। और देखिए भले ही इन्होंने नई पार्टी बना ली, लेकिन बंटवारा तो हुआ जी, जदयू का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लेकर चले गए जी। आज भी लगातार जदयू में सेंधमारी हो रही है जी। लेकिन जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कह दी कि आरसीपी सिंह की तरह या कालांतर में जितने लोगों ने आपको छोड़ा है जी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ जी। आपने मेरे लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बना दी थी जी कि मुझे छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है। सर उपेंद्र कुशवाहा का तो ये था विश्वास कि नहीं हमको कहीं ना कहीं मंत्री जो है कि बनाया जाएगा, इस विश्वास से भी जो है कि आए थे दिल्ली में। अलता तो उन्होंने कह दिया ना कि मुझे भी मंत्री बनना है, अपने समाज के लिए काम करना है, मुझे भी सीएम डिप्टी सीएम बनना है जी, ये सारी बात उन्होंने खुलकर कही जी। और जब ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया तब आपने देखा कि नीतीश कुमार का भी भौं खड़ा हो गया जी जी। ललन सिंह भी एकदम अड़ गए कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, और उसके बाद रिश्ते बिगड़े। जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया था कि जब खून चाहिए होगा ना आपको जी जी, और कोई देना दे मैं जरूर दूंगा, आप बुला लीजिएगा, लेकिन अब आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा जी, कोई बातचीत नहीं होगी जी, कोई अंडरस्टैंडिंग आपके साथ नहीं होगा जी, कोई टेबल टॉक नहीं होगा। लेकिन इतने जल्दी उनकी बातचीत भाजपा के नेताओं से हुई जी, अमित शाह से बैठक हुई जी, कई सीटों पर तैयारियां चल रही हैं उनके चुनाव लड़ने की, कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, ऐसे में इतना बड़ा ट्वीट कर देना जी बहुत बड़ा, ये एहसास कराता है कि कुछ ना कुछ जरूर आरएलजेडी के मन में भी चल रहा जी, है जी। बार बार जब हम आरएलजेडी के प्रवक्ताओं से पूछते हैं डिबेट्स में भी जी, तो वो बड़ा कैलकुलेटेड बात करते हैं गठबंधन को लेकर। माझी का देखिए आए राम गए राम जी जी, आए तुरंत फटाफट ज्वाइन किया, अगले दिन घोषणा कर दी जी। ऐसा चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पा रहे हैं जी जी। हाँ, मुझे ये भी पुख्ता खबर मिली है कि मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हो गए हैं जी जी, कल मैंने जो खबर की थी उसके बाद। सर इस पे एक बात हम कहना चाहेंगे, सर आपका राजनीति में कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि कोई भी घटना से पहले आपको यह सूचना मिल जाती है या तो आप कयास लगा लेते हैं। हर बार कयास लगाना संभव नहीं है, इसी तौर पर सूचना मिल जाती है और बहुत लोग विश्वास भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि राजनीति में इतने कम उम्र में पत्रकारिता के दौरान मुझ पर विश्वास लोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान दिल्ली में हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाहट है, और ऐसे में कहीं मुकेश सहनी के वहां पहुंच जाना कल की खबर को मेरी पुख्ता करता है कि अब बिहार में गठबंधन का इतना बड़ा स्वरूप देखकर भले आपस में सौ माथा पटुवल हो रहा हो तो चिराग पासवान और भाजपा में भी हो रहा है जी जी, लेकिन एक साथ जुट गया लोग तो अब भाजपा को भी जल्दी फैसला करना पड़ेगा जी, और भाजपा ने इसलिए सबको तलब किया है जी। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ये बात जानते हैं जी कि देखिए आप कॉपी जमा कर दीजिए जी तीन घंटा में जी, तो ठीक है, आने तो लास्ट में जो एग्जामिनर है वो तो उठबे नहीं करेगा, मंगबे करेगा कि दे दीजिए तो छीन लेगा जी। तो अब कॉपी जमा करने की बात आ गई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट क्या इन्होंने लिखा है समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझा जरूर दूंगा जी। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, जब जब नीतीश कुमार जी कमजोर पड़े हैं तब तब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को याद किया है जी। ये हमारा ठोस संकल्प है
हम किसी भी कीमत पर बिहार में 2005 से पहले वाली स्थिति नहीं आने देंगे। 2005 से पहले वाली स्थिति क्या है? उसको तो ऐसे लोग कहते हैं जंगल राज, वहां पर जंगल राज, लालू यादव का काल या रावड़ी देवी का शासन। जी जी, वो नहीं आना आए बिहार में, इसके लिए उपेन कुशवाहा किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है जी। और कह रहे हैं कि जब जब नीतीश कुमार कमजोर पड़े तो हफ्तों तो हमने साथ दिया है उनका जी। अब नीतीश कुमार कमजोर कहाँ है? इतना बड़ा गठबंधन हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो अब ये पोस्टर वायरल क्यों हो रहा है हर जगह जी? और ये कोई मतलब आम कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, देखिए नीचे लिखा हुआ राष्ट्रीय लोक जनता दल आईटी सेल बिहार जी जी, मतलब ऑफिस से हुआ है जी। और ऐसे वक्त में जब विपक्ष की एकजुटता हो रही है, नीतीश कुमार बीच में बैठ रहे हैं, अगल बगल के सारे नेता बड़े कांग्रेस वांग्रेस के लोग भी अगल बगल बैठ रहे हैं जी, तो नीतीश का कद बढ़ रहा है जी जी। ऐसे में नीतीश कमजोर कैसे हो रहे हैं, उपेन कुशवाहा कैसे ये बात कह रहे हैं जी? देखिए दरअसल ये जानते हैं उपेन कुशवाहा की कुर्सी सीएम की लेने के लिए जी लालू और तेजस्वी यादव ने सारा स्वांग किया है जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लालू यादव सारे विपक्ष नेताओं को बंद कमरे में कहते हो, कैसे हूँ उसका बात मान जाओ, रुक जाओ, फिर जो करना हो करना, पहले कुर्सियां तो से ले लेना हो जी जी जी। शायद उपेंद्र कुशवाहा का इशारा इस तरफ है जी। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है मान लेते हैं कि चलिए आपके हिसाब से नीतीश कुमार कमजोर है जी, तो नीतीश को मजबूत करने के लिए आप आ रहे हैं क्या जी? ये बड़ा सवाल है, क्या आप अमित शाह के साथ बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं या नीतीश कुमार को बचाने के लिए बिहार में आप उनके साथ जा रहे हैं? एक तरफ जहां ललन सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं है जी, उपेंद्र कुशवाहा बोल के आए थे कि पीएम कैंडिडेट है जी, तब बाहर वाला ना भाई अपना भाई है जी जी, घर वाला भाई तो कह दिया कि सीएम लाइक पीएम लाइक नहीं है, और सीएम की कुर्सी तो ले ही रहे हैं लालू यादव, तो बात हो ही गई है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का ये जो ट्वीट है बहुत, उसको क्रिप्टिक ट्वीट कहा जाएगा, क्रिप्टिक मतलब इतना इसमें अंदर मूल भावना कुछ और है जी, जी, जी। और इससे एक बात समझ में आ जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं जी, जी, जी। बिहार में कोई वैकल्पिक गठबंधन बने जी राजद से अलग, तो उसका भी हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं जी, जी। तो ये गेम बड़ा था जिसमें हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का मतलब क्या है, क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार का सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।